हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप सब ठीक होंगे। तो अब ये मेरी वीडियो जाने वाली है, कोई मेकअप वीडियो नहीं होने वाली है। ये एक रिव्यू वीडियो है जो बहुत हाइप्ड प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। वो है लॉरियल का रिलिफ्ट हाइलरॉनिक एसिड विद 1.5 हेलरॉन सीरम। काफ़ी टाइम बाद काफ़ी हाइप में ये प्रोडक्ट आया था। मैं काफ़ी लेट यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी क्वांटिटी में इसकी यूज़ कर चुकी हूँ। बिल्कुल लास्ट के दो तीन पंप रह गए। मैं इसको नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ करती हूँ। अगर मॉर्निंग में मेरी स्किन मुझे बहुत डिहाइड्रेटेड लगती है, मेनली इसका हेलोरॉनिक एसिड सीरम का काम होता है हाइड्रेट करना, स्किन को प्लम्प करना। जितना भी आपकी एयर में मॉइस्चर है वो आपको कैप्चर करके देता है, स्किन में आपके अब्जॉर्ब कराता है। काफ़ी अच्छा सीरम है ये। इसको मैंने, ये सेकेंड बॉटल है मेरी, अच्छा खासा यूज़ कर लिया, तब मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। पैक टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, हेलेरॉनिक सीरम हो या कोई भी हो। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई एसिड सीरम यूज़ कर रहे हैं जो आप पहले कभी नहीं यूज़ करते हैं, बिल्कुल वाटर बेस्ड इसकी वो है, जो बिल्कुल वाटर जैसा है ये। आपको ऐसे लगेगा स्किन में लगाते ही ना स्किन बहुत टाइट हो जाती है। इसका एक ये है, बिल्कुल नीचे है तो पंप से नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, बिल्कुल वाटर की तरह, बिल्कुल वाटर है, बिल्कुल वाटर। और जब हम इसको लगाते हैं ना, स्किन खिंची खिंची सी हो जाती है। तो इसको लगाने के बाद एकदम से आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, इसको 10 to 15 मिनट का टाइम देना है आपके इस सीरम को काम करने के लिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है इसके ऊपर, एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है ये लॉरियल। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट निकालती है ये। अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ड्राई हो जाती है, या फिर डिहाइड्रेटेड रहती है, ग्लो नहीं है स्किन पे, हाइड्रेशन लेवल को अप करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेली स्किन केयर में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, नाइट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में इसको लगा सकते हैं। ये आपकी एंटी एजिंग पे भी काम करती है। जब स्किन हाइड्रेट होगी तो स्किन टाइट होगी ऑटोमेटिकली, तो ये आपकी उन चीज़ों पर भी काम करती है। ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए ये प्लम्प एंड हाइड्रेटेड इंस्टेंटली करती है। और अंडर आई को अवॉइड करना है, इसमें मेंशन कर रखा है। तो ये आपको इतनी सी बॉटल, आपको ये 15 ml है, आई थिंक 10 ml है, 15 ml है, जो भी है मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दूंगी आपको। इसका प्राइस है 450। यस, थोड़ा कॉस्टली है। इस रेंज में काफ़ी अच्छे इंडियन सीरम आ रहे हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट ये लॉरियल भारत की कंपनी है, आपको बहुत अच्छे से पता है। पर रिजल्ट अच्छे होने की वजह से बहुत हाइप्ड है ये प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। आपको अमेजोन पे काफ़ी जल्दी जल्दी इस पर अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं। अगर आपकी स्किन डल, डिहाइड्रेट, बिल्कुल ऐसे डल सी रहती है, तो आप इस सीरम को अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन को प्लम्प करेगी, हाइड्रेट करेगी, आपके हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाएगी। मैंने बताया, इस सीरम को यूज़ करने के बाद आपने 10 मिनट बाद कोई मॉइस्चराइज़र, SPF कुछ भी लगाना है, तो काफ़ी अच्छा सीरम है ये, आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बट कॉस्टली है। इसमें इंडियन सीरम बहुत सारे अभी लॉन्च हो गए हेलोरॉनिक सीरम, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इंडियन जो भी सीरम अभी लॉन्च हुए हैं उनका भी मैं वीडियो अपडेट कर दूंगी। तो मेरी तरफ से बहुत अच्छा सीरम है, बहुत लाइट वेट है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। कि आपको चिपचिपी क्रीमें नहीं लगानी है, तो आप इसको अपनी डेली क्रीम से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी, ऐसे लगता है बस वाटर की 4 बूंदें डाली और आपका काम हो गया। तो आप जा सकते हैं इसके साथ। थोड़ा प्राइजी है, बट काम भी कर रहा है आपकी स्किन पे। हर सीरम को काम करने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ता है। एकदम से कोई भी सीरम, कोई भी क्रीम
आपकी स्किन पे काम नहीं करेगी। अगर आप हाइड्रेशन के लिए कोई अच्छा हाइलुरोनिक एसिड सीरम देख रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके नए रिव्यू, नए मेकअप, नए व्लॉग के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। लव यू, बाय बाय।